भाई कुछ भी बोलो, नॉट कॉइन ने बेवकूफ़ तो बनाया है, थोड़ा ही सही लेकिन बेवकूफ़ ज़रूर से बनाया है। यहाँ पर कॉइन जो है डंप होना स्टार्ट हो चुका है, हालांकि ज़्यादा डंप नहीं बोल सकते हैं, बट फिर भी 50% तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डंप हो चुका है जब लिस्ट हुआ था उसके बाद। और जितने भी लोगों ने यहाँ पे विड्रॉल लगाए हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं दोस्तों उनको विड्रॉल मिला ही नहीं है। कुछ लोगों को विड्रॉल मिला है, जैसे कि मेरे वीडियो के कमेंट में ही एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई मैं प्रीमियम यूज़र नहीं हूँ, मैंने कोई भी प्रीमियम पैकेज नहीं लिया है टेलीग्राम का, बट फिर भी मुझे जो क्वाइंट है वो रिसीव हो चुका था बाइनांस में। अब इस केस में आप किसकी मानोगे? कुछ लोगों को यहाँ पर रिसीव तो हो चुका है, जैसे कि मेरा ही देख लो, मेरा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरा जो क्वाइन है वो वापस से मेरे जो नोट कॉइन का जो बोर्ड था ना, वैलेट था, वहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर बोल रहा है कि आप फिर से इसे आप विड्रॉ करो। और विड्रॉ करने आप जाओगे तो भाई वहाँ पे बोल रहा है कि अभी 24 आवर्स का टाइम लग रहा है आपके वैलेट में जाने के लिए, इतना ज़्यादा यहाँ पे कंजेस्टेड हो चुका है नेटवर्क। अब यहाँ पे नॉट कॉइन की आप गलती बोलोगे या फिर एक्सचेंज की गलती बोलोगे वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि नॉट कॉइन का कहना है कि एक्सचेंजेस में काफ़ी ज़्यादा कंजक्शन होने के कारण बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन है उसे डिक्लाइन किया गया है। लाइक अगर बायबिट की देख ले या फिर बाइनांस की देख ले, तो वो लोगों ने जितने भी डिपॉजिट आ रहे थे उसको डिक्लाइन कर दिया, और जितने भी डिक्लाइन डिपॉजिट थे वो सभी के सभी वापस बैक टू सोर्स, यानी जिसके वैलेट से जितना ट्रांसफ़र किया गया था उनको वापस से वो ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनके वैलेट में एडिट कर दिया गया। ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि इसमें चीटिंग नहीं है कि भाई आपका जो बैलेंस है वो कट गया फिर वापस नहीं है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। जिनका कटा उनका वापस आ गया, इसमें बिल्कुल ईमानदारी से काम किए हैं नोट कॉइन वालों ने। लेकिन बात वही है, झमेला वही है कि अभी अगर आप विड्रॉ करोगे तो भाई 24 आवर्स का टाइम यहाँ लगेगा, फिर से जब आप वैलेट से विड्रॉ करने जाओगे तो वहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, तब तक पूरा का पूरा जो कॉइन है वो डंप समझो। और ऑलमोस्ट यहाँ पे जितना आपको प्रॉफिट होना था उसका 50% ही प्रॉफिट आपका हो पाएगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लोग हैं ना 0.015 या फिर 0.014 डॉलर पे इसे सेल किए। मैंने खुद जो लॉन्च पूल में मैंने टोकन अर्न किए थे ना बाइनांस का, वहाँ पर उस टोकन को मैंने 0.014 पे सेल किया था, तो ऑलमोस्ट 29 या फिर 30 डॉलर के वर्थ का वहाँ पे मुझे मिला हुआ था, आई मीन प्रॉफिट हुआ था। अब इस केस में मेरा जो एयर ड्रॉप वाला बैलेंस उस टाइम होता तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे 200 या फिर 300 डॉलर के आसपास तक का प्रॉफिट देखने को मिल जाता ओवरऑल, बट अभी वो प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे जो लोग लाखों में कॉइन को अर्न किए होंगे, अगर सेम प्राइस पे सेल किए रहते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन अभी उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों अपडेट की बात की, भाई ऐसा कोई सीन अभी फिलहाल चल रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो नोट कॉइन बैलेंस है वो आपके वैलेट में आ चुका है, तब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो सिंपल सा, आपको जो बोट है वहां पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद क्लेम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करते हो तो आपका जो कुछ भी बैलेंस रहेगा वो शो कर देगा, अगर आपका बैलेंस वापस आ चुका है तो। जैसे कि मेरे यहाँ पे देख सकते हैं 12,805 मेरा बैलेंस है वो शो कर रहा है, और यहाँ पर फिर से एरो का निशान दे रहा है, आई मीन सेंड करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। अभी आपको यहाँ पे स्टेकिंग का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे ऑन चेन विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप स्टेकिंग पे क्लिक करते हो तो 30 दिन के लिए आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हो, बट ये आपकी मर्जी रहेगी, मुझे नहीं लगता कि स्टेक करने से कुछ फ़ायदा यहाँ पे होगा। स्टेक करोगे प्रोजेक्ट तो और ज़्यादा यहाँ पे डाउन ही जा रहा है, तो बाद में और ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉइन होने के बावजूद भी प्राइस ही नहीं रहेगा तो क्या ही सेल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेक का है, कुछ 30 डेज के लिए कर सकते हो। अगर आप स्टेक नहीं करना चाहते हो सिंपल से आपको बैक आना है, यहाँ पे ऑन चेन विड्रॉल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो कुछ भी आपका वैलेट रहेगा वो आपका ऊपर दिखाई दे देगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप डिफरेंट जो वैलेट है उसे भी आप ऐड कर सकते हो, बट आपने ऑलरेडी टेलीग्राम का वैलेट क्रिएट किया होगा जब आपने फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया होगा तो, ठीक है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो सिंपल सा यहाँ पे क्रिएट अ वैलेट पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे जो कुछ भी अपना फ़ोन नंबर है, अपना नेम वगैरह है, वो डिटेल्स वगैरह डाल के यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने पहले से किया होगा तो ईमेल आप डालोगे तो आपका बैकअप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एक बार ये सारा काम यहाँ पे जब हो जाता है तो आपको अपना जो वैलेट है वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद वापस से बैक टू कम्युनिटी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और अभी फिर से आपको यहाँ पे सेंड पे दोबारा से क्लिक करना है, ऑन चेन विड्रॉल को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो कुछ भी बैलेंस रहेगा वो शो कर देगा, और यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल प्रोसेसिंग 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स का यहाँ पे टाइम लग रहा है, और गैस फी भाई 300 नोट कॉइन लग रहे हैं, यानी विड्रॉ करने जाओगे तो 300 नोट कॉइन एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, यहाँ पर डन हो चुका है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप इसे चेक कैसे करोगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपल सा टेलीग्राम के होम पे आना है और यहाँ पर आपको थ्री डॉटेड लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वैलेट का सेक्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। हालांकि ये दोस्तों अभी जो वैलेट है वो काफी ज्यादा कंजक्शन में काम कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। देख लो भाई, यहाँ पे नोट कॉइन जो है हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मैंने कल रात को यहाँ पे जो कुछ भी विड्रॉल था वो लगाया था, तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ चुका है। मुझे उम्मीद नहीं था कि अभी आया होगा क्योंकि 24 आवर्स का टाइम लोगों ने बोला था, बट यहाँ पर ये बैलेंस आ चुका है। अब आप इसे विड्रॉ कैसे करोगे तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आपके पास कुछ टोन नेटवर्क में गैस फी होना चाहिए, मे बी तब आप इसे विड्रॉ कर सके। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे नोट कॉइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक्सटर्नल वैलेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डालूंगा ना कोई भी एड्रेस, जैसे कि एग्जांपल के लिए, अब दोस्तों यहाँ पे बाइनांस में आना है। बाइनांस में आने के बाद आपको यहाँ पे नोट कॉइन डिपॉजिट को ओपन करना है और यहाँ पर जो कुछ भी डिपॉजिट एड्रेस है वो आप यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, नोट कॉइन में यहाँ पे आने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सटर्नल वैलेट को चूज करना है। अभी आपने जो एड्रेस कॉपी किया उसे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप पेस्ट करोगे तो ये एड्रेस आपका आ जाएगा। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। आपका जो कुछ भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे देना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 12,505 मैं यहाँ पे डालता हूँ, बट ये बोला कि यू डोंट हैव टोन टू पे यहाँ पे ट्रांसफर फी। यहाँ पे 0.1 टोन का हमें यहाँ पे गैस फी लगेगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पर आपका कुछ फी लगेगा जब आप इसे विड्रॉ करने जाओगे। तो अभी दोस्तों वापस आपको यहाँ पे आ जाना है और सिंपल सा आपको यहाँ पर टोन स्पेस बेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे टोन कॉइन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डिपॉजिट है, डिपॉजिट एड्रेस को आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी एक्सचेंज से कुछ जो टोन कॉइन है उसे आप डिपॉजिट कर लो। एक बार जब आपका टोन कॉइन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा तो सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है और नोट कॉइन को आपको यहाँ से विड्रॉ कर लेना है। एक चीज और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप बाइनांस पे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिपॉजिट एड्रेस के साथ साथ यहाँ पे नोट मेमो भी दिखाई दे रहा है, तो इस मेमो को आपको जरूर से वहाँ पे डालना है, अदरवाइज जो आपका डिपॉजिट होगा वो मिसिंग हो जाएगा। वो क्रेडिट ही नहीं होगा बाइनांस में। तो जहाँ भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं इसका मेमो आप जरूर से डालोगे। और भी मेरे पास तो नोट कॉइन नहीं है तो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अब मुझे परचेस वगैरह करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ से विड्रॉ करूँगा। बट प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने नोट कॉइन को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।